Kishan Mobile. किशन भाई तू भी आ रहा है, मोबाइल भी आ रहा है, थोड़ा सा पीछे आ जा, फर्क नहीं है। ओए हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं इनके लिए। हां आ रहे हैं, अपन आएंगे सब टिकटॉक पे गा रहे हैं। देख लिया रेंगा मैडम, भाई साहब रेंगा मैडम भाई। थैंक यू फॉर वेटिंग, बहुत बहुत शुक्रिया वेट करने का, थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ा ये शाम को 6 बजे उठते हैं, सुबह के 6 बजे नहीं, सुबह 6 बजे सोते हैं, शाम को 6 बजे उठते हैं। भाई कैमरा रोल ही है। मैडम मैडम ओके राम जी गाओ भाई, काले शर्ट वाले थोड़ा अंदर से लो यार। भाई सिर भाई सिर आ रहा है, सभी आ रहे हैं अभी क्या आ रहा है। साइड में तो ये भाई 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 सीर आ रहा है। मैडम 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 यार अपने गए, वो आगे गए आगे है। साथ में दे दीजिए भाई, सर एक साथ में है ना, साथ में शूट बैठ रहे हैं एक साथ में दीजिए ना। और अदनान नहीं है, अदनान टीवी शो पे है, लेकिन ये अदनान के अबू हैं और अब्दुल भी अदनान का भाई है, ये रैपर है, बहुत बहुत अच्छा रैपर है, इसका भी गाना आ रहा है बहुत जल्द भाई। घुसी जाओ अरे ये भाई तुम करा रहे यार। मैडम मैडम तो मत मैडम थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, वो सारे फैंस लोग का सपोर्ट है और उनका इतना प्यार है कि इतने कम टाइम में मैंने भी मतलब सोचा नहीं था इस बारे में कि मतलब इतना प्यार मिलेगा और इतना सपोर्ट मिलेगा, और मैंने साथ में हमारे मेंबर लोग ने भी टीम के नहीं सोचे थे इस बारे में, बाकी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे फैन लोग का। बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऐसी सपोर्ट करते रहो और ऐसी प्यार करते रहो, इंशाल्लाह मैं और अच्छे अच्छे एल्बम सॉन्ग लाऊंगा और भी बैक टू बैक बहुत सारे आने वाले हैं। आज मेरा यूट्यूब चैनल भी लॉन्च था, मगर मेरा ब्रांड का भी था लॉन्च, तो वो थोड़ा मिस वी थॉट कि हम थोड़ा स्पेस आउट कर देते हैं, इसका यूट्यूब चैनल अगले महीने तक पक्का आ जाएगा हमें लगा इंशाल्लाह। और हमें लगा ये जो हम ब्रांड अभी लॉन्च किए 2407 क्रश दैट विल स्टार्ट विद दिस एंड कंटेंट तो जोरों शोरों से बन रहा है, तो यूट्यूब चैनल प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू इट वेरी सून। तो
फैंस लोग को और ज़्यादा करके फैमिली मेम्बर्स को मेरे कंटेंट बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं क्लीन कंटेंट बनाता हूँ और ये चीज़ मैं नहीं बोलता हूँ, ये चीज़ वही बोलते हैं। और इंशाल्लाह मैं जब मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा तो मेरा कंटेंट भी कुछ सेम ही रहेगा जो फैमिली को अच्छा लगे, तो मैं क्लीन कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा यूट्यूब पे। चैनल एक ही होगा? चैनल एक ही होगा। उस बारे में मैं बताना चाहता हूँ, मैं जब लंदन में था तो हमारे टीम मेंबर के सागर सर है तो एक फ्रेगनेंस यूज़ करते हैं, तो मैंने वहाँ लंदन में स्मेल किया था तो मैंने उनको मेरी मतलब उनकी याद आई तो मैंने उनको कॉल किया, तो सर ने बोले कि मतलब तेरे फैंस लोग से भी तू ऐसी कनेक्ट है तो एक काम करते हैं कोई ऐसी चीज़ निकालते जिससे फ़ैन्स तुझे याद करे, तू इतना अपडेट देता है फैंस लोग को। तो मैंने सोच लिया था कि सर फ्रेगनेंस पे कुछ करते हैं और डियो स्टार्ट करते हैं, तो जो कि अभी तक किसी ने किया नहीं है, कोई इन्फ्लुएंसर ने भी नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि कुछ करते हैं अभी इस चीज़ को लेकर। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आस्ते आस्ते रिवील करेंगे, प्लीज़ स्टैंड बाय, बिकॉज ये जैसे फैजू ने कहा था उसके लाइव पे भी कि ब्रांड अभी लॉन्च हुआ है, ब्रांड का पहला प्रोडक्ट ये है, तो आस्ते आस्ते वी विल कीप अनाउंसिंग, बट इसको एक ढंग से करें, इट्स वेरी एक्साइटिंग। बहुत अच्छी ट्रैक्शन मिली, बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिली है, कल रात 11:59 तक ये स्पेशल ऑफर ओपन है, तो वी लर्ज ऑल द फैंस टू ट्राई एंड टू गेट इट। ये जो फैजू ने ये फैम क्लब भी लॉन्च किया है तो इस ऑफर में कल 12 बजे तक, कल रात को 12 बजे तक ये मेंबरशिप कार्ड उनको विद इन टू वीक्स पहुंच जाएगा। उस मेंबरशिप कार्ड पे जो सरप्राइजेज हैं, 20 लोग को भी हम चुन रहे हैं जो मीट एंड ग्रीट करेंगे फैजू के साथ, इंडिया में, मुंबई से नहीं पूरे इंडिया से, वो 20 लोग आएंगे और मेरा उनके साथ में पर्सनली पोर्टफोलियो शूट होगा और उनकी फ्लाइट्स वगैरह वो सारी चीज़ें हम करेंगे। कौन सा शो? मैं रियलिटी शो। अच्छा रियलिटी शो। रियलिटी शो की बात है तो मुझे आया था 2-3 ऑफर रियलिटी शो का, मगर मुझे हाल फिलहाल अपने फैंस लोग से दूर नहीं रहना है क्योंकि उन लोगों को जो पसंद है मेरा रेगुलर अपडेट, तो जो मैं उन्हें देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी बहुत पसंद है कि उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है और अच्छा इंगेजमेंट मिलता है मुझे। मेरे फैंस ऐसे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं, मतलब उन्हें ऐसा नहीं चाहिए कि मैं कुछ स्टॉक में रख के अपलोड करूँ, वो चाहते हैं कि आप डेली जो करते हो वो मुझे दिखाओ, तो मैं जो करता हूँ मेरा, मैं मतलब डेली जो अपलोड करता हूँ वो डेली मैं फ़ोटोज़ खींचता हूँ और डेली अपलोड करता हूँ, तो उन्हें वही चीज़ मेरी सबसे ज़्यादा पसंद है। इनकी लाइफ ही एक रियलिटी शो है, अगर आप देखोगे हिज लाइफ इज़ ऑनलाइन सोशल पे, आप देख रहे हो क्या हो रहा है, और इसलिए हमने ये जो फैन क्लब लॉन्च किया है इनका, तो उससे डीपर अगर कोई जाना चाहता है जो सुपर फैंस हैं उनको, वो जो ज़्यादा रियलिटी शो है वो वहाँ पे उनको दिखेगा, तो इसलिए हमने एक स्टेप डीपर गए हैं, जो सबको दिख रहा है इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी, उससे ज़्यादा अगर डीप जाना चाहते हैं तो ये फैन क्लब के थ्रू वो जा सकते हैं कनेक्ट। ये सर बोलेंगे। तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं फैजू इज़ द नेशनल क्रश, और तो हमने सोचा कि इससे अच्छा क्या नाम रहे कि ये इसका जो पहला प्रोडक्ट लॉन्च है डियो को क्रश बोलें, और वैसे भी क्रश है, मतलब जो फ्रेग्रेंसेस हैं जैसे आप देखते हो बाकी डियोडेंट्स के जो एड्स होते हैं, इट्स अ लॉट अबाउट इंटरेक्शन एंड इन्फ्लुएंस, तो क्रश हमें बहुत अच्छा नाम लगा और कनेक्ट भी था बहुत अच्छा फैजू के साथ। तो इसलिए ज्ञान देखिए अदनान इतना टैलेंटेड है कि मतलब उसे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं और ना उसे कुछ बोलने की ज़रूरत है, और हम लोगों को पता है वो जीत के आएगा, और उसने वाइल्ड कार्ड एंट्री किया है और बहुत अच्छा कर रहा है वो, और मेरे को पता है कि वो जीत के आएगा। बहुत मिस कर रहा हूँ मैं, आज अगर अदनान होता तो यहाँ पे होता, और बाकी मेरे टीम मेम्बर्स भी है वो भी आ रहे हैं सब रस्ते में। इंशाल्लाह देखेंगे, इंशाल्लाह 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 ही बोलूँगा। सॉरी क्या क्वेश्चन था? टिकटॉक बंद हो जाएगा? जो बीच में बैन हुआ था,
अच्छा अभी आप देख रहे हो कि पिछले तीन महीने से फैजु एक्चुअली टिकटॉक पे है नहीं, आपको ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है हर रोज़ फैन मुझे भी पूछते हैं कि आप आईडी कब लाओगे, आप आईडी कब लाओगे वापस, तो ये एक्चुअली हमारे हाथ में नहीं है। जैसा आपको पता है हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि एवरीथिंग इज़ क्लियर, वो उनके हाथ में है, हम उनके साथ डायलॉग में रहते हैं, लेकिन ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन जहाँ तक फैंस के बारे में बात है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे तो फैजु के साथ कनेक्टेड ही हो, यू नो यूट्यूब पे भी हो, और ये बढ़ते जाएगा। तो मुझे लगता है इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी हैं। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं कनेक्ट कर सकते तो दूसरा प्लेटफॉर्म है। अभी आपने देखा इंस्टाग्राम पे भी म्यूज़िक आ गया है, बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जो उनकी जो वो टैलेंट है वो अभी उसको इंस्टाग्राम पे भी ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चलते रहेगा। कोर टैलेंट इन्फ्लुएंसर्स के अंदर है, फैजु जैसे है, टीम 07 है, और बहुत से दूसरे जो ये न्यू एज टैलेंट है उनके अंदर वो हुनर है। प्लेटफॉर्म इज़ एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बट दे कैन मूव बिटवीन प्लेटफॉर्म्स क्वाइट सीमलेसली। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं एक्चुअली, बिल्कुल आप आज देखोगे काफ़ी सारे जो आज फैजु ने इनवाइट किए हैं उनके जो दोस्त हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि के साथ जुड़े हुए हैं। तो इफ़ यू आर हियर यू विल सी देम ऑल, बट टुडे इज़ अबाउट फैजु एंड 2407 क्रश।